आप सबको सारथी नमस्कार। आज मैं आपको सारथी की टीचर्स ऐप का होम पेज दिखाऊंगा, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, मैथ्स आदि। नीचे आपको वो सारी क्लासेस दिखाई देंगी जहां पर आप पढ़ाते हैं, जैसे कि ग्रेड 5A, 6A, 3A क्लासेस हैं जो डेमो टीचर पढ़ाती है। नीचे लेफ्ट में आपको टीच टैब दिखेगा एंड नीचे राइट में आपको मेन्यू टैब दिखेगा। बीच में आपको होमवर्क टैब दिखाई देगा। नीचे राइट में आपको पर्पल कलर का कम्युनिकेशन आइकन दिखाई देगा, जिसे खोलकर आप कोई भी जरूरी नोटिस, होमवर्क या क्लास वर्क अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। चलिए अब किसी सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल चैप्टर्स दिखाई देंगे। जैसे ही आप किसी चैप्टर पर क्लिक करेंगे, एक कॉन्सेप्ट मैप खुल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं कितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो प्री कॉन्सेप्ट हैं जिनका आना जरूरी है। अब आप सारथी के LMS के जरिए स्टूडेंट्स के पिछले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बारे में जान सकते हैं। अगर किसी केस में ज्यादा बच्चों को एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस नहीं आते, तो आप एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते टाइम दोबारा पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही राइट साइड वाले कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, आप खुद से ऑटोमेटिकली सबको होमवर्क भेज देगी। जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके लिए हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस वर्कशीट डिजाइन कर देगी, वो भी उनके कॉन्सेप्ट गैप्स को देखकर। फिर आप ऑटो चेक करके उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भेज देगी जिन्होंने होमवर्क किया है। ये कॉन्सेप्ट मैप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे ही आप दोबारा इस चैप्टर पर आएंगे। इस चार्ट को बंद कर आपको चैप्टर रोडमैप की स्क्रीन दिखाई देगी। चैप्टर रोडमैप स्क्रीन पर आपका स्वागत है। जब हम प्री नॉलेज असेसमेंट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद कर सकते हैं, आगे रोडमैप में आपको पहले के कॉन्सेप्ट्स दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर्स आदि, जो आप क्लास में पढ़ा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास है टीच, एक्सप्लेन, वर्कशीट्स और होमवर्क। आप जैसे ही टीच टैब पर क्लिक करेंगे, आपको लेसन प्लान और बाकी टीचिंग रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि एनिमेशन वीडियोस, ई ट्यूटोरियल्स आदि, जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। जैसे ही आपने एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक्सप्लेन टैब पर क्लिक कर सकते हैं, जिसपे क्लिक करने के बाद टीचर्स लॉग ऑटोमेटिकली भर जाएगा एंड होमवर्क ऑटोमेटिकली सबको मिल जाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वर्कशीट टैब पर क्लिक कर आप इंस्टेंटली वर्कशीट, होमवर्क और क्लास वर्क के लिए क्रिएट कर सकते हैं। होमवर्क टैब पर क्लिक कर आपको उन बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। चलिए जाने आप कैसे बच्चों का प्री कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में उनकी मदद कर सकते हैं। आप क्लिक कर सकते हैं प्री नॉलेज असेसमेंट पर, जो कि चैप्टर रोडमैप स्क्रीन पर है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सिस्टम आपसे डेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, जो एक डेडलाइन यानी आखिरी तिथि होगी स्टूडेंट्स की उनका टेस्ट खत्म करने के लिए, जिसके बाद टेस्ट तुरंत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। जैसे ही स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन आएगा, वो टेस्ट दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा प्री कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता, तो वो प्री कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लर्निंग रोडमैप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, एक बूस्टर कॉन्सेप्ट के रूप में, जहां स्टूडेंट उसे लर्न कर सकते हैं वीडियोस एंड एनिमेशन की मदद से और बाकी लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से, और फिर वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं अपने प्री कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो भी अपने घर बैठकर। इफ एक क्लास के मेजॉरिटी यानी ज्यादा बच्चों का कोई प्री कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो प्री कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली टीचर्स के लर्निंग रोडमैप में ऐड हो जाएगा, एक बूस्टर कॉन्सेप्ट के रूप में। जैसे ही आप चैप्टर रोडमैप स्क्रीन पे आएंगे,
आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, माइलस्टोन्स और चेकपॉइंट्स की फॉर्म में दिखेंगे। जब आप टीच टैब पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा और आपको काफी सारे टीचिंग रिसोर्सेज दिखाई देंगे, जैसे बुक पीडीएफ, बुक आंसर की वीडियोस जो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगी एनिमेशंस और इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में, और लेसन प्लान दिखेगा। चलिए आपको चैप्टर का लेसन प्लान दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन प्लान बना हुआ है पीरियड बाय पीरियड और आपको हेल्प करता है एक पूरी गाइड के रूप में, वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आपको कुछ सपोर्टिंग एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जो आप बच्चों को पढ़ाते वक्त दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बुक पीडीएफ टीचर्स और बच्चों दोनों के पास अवेलेबल है, पर टीचर्स किट में आपके पास बुक आंसर की भी अवेलेबल होगी जो आपका कीमती वक्त बचाएगी। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया है, एक्सप्लेन बटन पर क्लिक करें। रोड मैप में उस कॉन्सेप्ट के नीचे ऑटो होमवर्क उसी वक्त जनरेट हो जाएगा और उसी वक्त सारे बच्चों को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद बच्चों को एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट का होमवर्क जनरेट हो चुका है, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे जो आप होमवर्क और क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए लगाते थे, क्योंकि अब आप खुद ही आपके लिए होमवर्क डिजाइन कर देगी। आप एक एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे। आपको अगर किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस को ट्रैक करना है तो आप ऑटो होमवर्क, जिसे बच्चों ने पूरा कर लिया है, उसके स्टैटिस्टिक्स को ऑटो होमवर्क पर क्लिक कर जान सकते हैं। चलिए क्लास वर्क के लिए वर्कशीट्स बनाते हैं। जैसे ही आपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स या फिर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया है और आप स्टूडेंट्स को वर्कशीट देना चाहते हैं, आप रोड मैप में ऊपर जा सकते हैं और वर्कशीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्कशीट्स पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे राइट साइड में एक ऑरेंज कलर का प्लस साइन दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, अपलोड वर्कशीट, जिस पर आप वो वर्कशीट अपलोड कर सकते हैं जो आपने पेन और पेपर पर बनाई है। अगला पेज आपसे कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा जो आपने उस वर्कशीट में इंक्लूड किए हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे वर्कशीट का नाम पूछेगा और क्वेश्चन पेपर और आंसर की अपलोड करने की मांग करेगा। बिल्कुल उसके नीचे आपको मार्किंग का बॉक्स दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर टोटल मार्क्स असाइन कर सकते हैं। अगर आप उस वर्कशीट में मार्किंग करना चाहते हैं तो जनरेट वर्कशीट, जो एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड वर्कशीट होगी। जैसे ही आप जनरेट वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर सिस्टम आपसे उन कॉन्सेप्ट्स की मांग करेगा जो कॉन्सेप्ट्स आप वर्कशीट में इंक्लूड करना चाहते हैं। आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, आपको ये पेज दिखेगा। आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स जो आप वर्कशीट में रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 20 MCQs और 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वर्कशीट में चाहिए तो आप 20 और 10 लिख सकते हैं। जैसे ही आपने वर्कशीट डिजाइन कर ली है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और अगले ही पेज पर सिस्टम आपसे उस वर्कशीट का नाम मांगेगा, डिस्क्रिप्शन मांगेगा और अगर आप मार्क्स देना चाहते हैं तो मार्क्स मांगेगा। अब आपकी वर्कशीट फाइनली बन चुकी है जो बच्चों को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपका स्कूल सारथी पेडागोजी की ऐप नहीं यूज करता है तो अपना फ्री डेमो आज ही बुक कराएं।